गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपकी जीके टीचर अनुपमा बोल रही हूँ थर्ड क्लास की। तो बच्चों, अभी तक हमने जीके में कितने लेसन कंप्लीट किए हैं? 7 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अब हम पढ़ेंगे 8 लेसन। तो जिसमें हमने पहले पढ़ा था आ मेडली ऑफ प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ब्राइट ब्लूम्स, तो ब्राइट ब्लूम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें फूलों के बारे में बताया हुआ है कि इनका कैसे कहाँ कहाँ कितने फूल हैं उनके बारे में। अभी मैं बुक से पहले थोड़ा सा समझा दूंगी, उसके बाद आपको बोर्ड पर बता दूंगी। तो बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपका ये है 8 लेसन। इसमें क्या लिखा है? ब्राइट ब्लूम्स, है ना। तो इसमें ये जो 8 लेसन है, इसमें है रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, पिंक। ये क्या है? ये फ्लावर्स के कलर्स बताए हुए हैं, ना। कौन कौन से हैं फ्लावर्स के कलर? रेड, येलो, ग्रीन, वाइट और पिंक। तो हमें फ्लावर्स जो हम देखते हैं वो होते हैं ना इस कलर के, रेड जैसे रोज़ का होता है, येलो किसका होता है? मैरीगोल्ड का होता है, और ग्रीन, वाइट, पिंक। There are more than 1 lakh kinds of flower all over the world. Some remain on plants for almost an year, while some तो क्या बताएं within a few minutes. Let us see how much you know about flower. तो देखो क्या बताएं इसमें, रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, पिंक, देयर आर मोर देन 1 lakh काइंड्स ऑफ फ्लावर, यानी कितने फ्लावर्स हैं ना कि 1 lakh जैसे बताया हुआ है ना। ओवर द वर्ल्ड सम रिमेन ऑन प्लांट, कुछ जो ऐसे प्लांट्स हैं उन पर फ्लावर होते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं। ऑलमोस्ट इन ईयर, वेल सम विद इन अ फ्यू मिनट्स लेट। तो बच्चों, मैंने इसको बताया कि इस तरह से फ्लावर, तो बच्चों हमने फ्लावर के बारे जो पढ़ा है कि जैसे कुछ काफ़ी सालों तक, यानी सालों तक पेड़ों पर रहते हैं, वो चढ़ जाते हैं ना। तो हमने फ्लावर्स के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टिक द करेक्ट, तो हम टिक द करेक्ट के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे करना है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पूछा गया है कि हमारे नेशनल फ्लावर कौन सा है इंडिया का। तो हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। जैसे कि इसमें क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे रोज़ का दिया है, लिली का दिया है, तो हमें इन पर नहीं लगाना है टिक। जो राइट आंसर है उस पर हमें क्या करना है, जैसे लोटस है तो लोटस क्या है? राइट आंसर है, तो हम लोटस पे क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। तो द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, द नेशनल फ्लावर ऑफ USA। तो जैसे कि बच्चों इसमें जैसे बताया हुआ है, इसमें है ना ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन से फ्लावर राइट है, तो उस पर हमें क्या करना है? टिक करना है। जैसे कि देखो ये दिया है प्योनी, रोज और एस्टर, तो इसमें से कौन सा राइट है बच्चों? इसमें से है रोज़, तो हम किस पे लगाएंगे? रोज़ पे राइट लगाएंगे कि द नेशनल फ्लावर ऑफ USA का नेशनल फ्लावर कौन सा है? रोज़, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पर ये बता दिया आपको, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऐसे ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, तो हमें एक आंसर चूज़ करना है, जो राइट आंसर है उस पे हमें टिक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब बोर्ड पर पढ़ेंगे, जो कि मैंने डायरेक्टली आंसर ही लिख रखे हैं, और डायरेक्टली हम आंसर पढ़ेंगे। और इस तरह से जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन मैंने बोर्ड पर नहीं बताए हुए, इसलिए मैंने बुक में दिखा दिया कि इस तरह से आपके ऑप्शन रहेंगे। जैसे 3-3 ऑप्शन दिए हैं, ऐसे ही आपको जब टेस्ट वगैरह होंगे तो आपको इसी टाइप से दिए जाएंगे, ठीक है। और जो राइट आंसर है उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे रोज़ सही है, यहाँ पे क्या है, सनफ्लावर का सही है, फ्लावर द फेस द सन, है ना। ये जो राइट आंसर है उन पे हमने टिक लगाए हुए हैं, इस तरह से हमें टिक करना है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे बोर्ड पर, ठीक है।
उसके बाद बुक तो मैंने आपको दिखाई दी है आपको, है ना। ये देखो ये सारे बुक के बारे में आपको दिखा दिया है। तो ये हम आप लोग बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। बुक परचेज़ कर लोगे तो हमें क्या होगा, हमें और आसानी हो जाएगी पढ़ने में, और हम और अच्छा पढ़ सकते हैं और हम अच्छे से अच्छा रीड कर सकते हैं। तो बच्चों बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए पढ़ाई में, है ना। चलो हम तो देखो बच्चों, ये जैसे कि मैंने कहा था कि अभी हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे कि जैसे आप यहाँ पर मैंने जो लिखा है वहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं दिया है, आपको डायरेक्टली आंसर लिख के दे रहे हैं। जैसे नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो हमारे नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया जो हमारा इंडिया का फ्लावर है वो कौन सा है, नेशनल फ्लावर लोटस, तो हम क्या करेंगे लोटस लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जैसे लोटस की स्पेलिंग क्या है, LOTUS, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे लोटस। सेकंड नंबर पर है नेशनल फ्लावर ऑफ USA, तो इसमें पूछा गया है कि नेशनल फ्लावर ऑफ USA, तो USA का नेशनल फ्लावर कौन सा है, रोज। तो जैसे कि हमारा जो नेशनल फ्लावर लोटस है, ऐसे ही नेशनल फ्लावर ऑफ USA का कौन सा है, रोज है। तो क्या है स्पेलिंग, ROSE, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोज। अब थर्ड क्वेश्चन है कप शेप्ड फ्लावर ऑफ हॉलैंड, तो ये पूछा गया है कि जो कप शेप में फ्लावर है उसे हम किस ऑफ हॉलैंड यानी किस तरह किस उससे नाम से जानते हैं, तो हमें बताना है ट्यूलिप। तो ये क्या है, एक ट्यूलिप है, और ये देखो इसका ये बना के रखा है ये आपका डायग्राम, तो इस टाइप से होता है, तो ये हम ट्यूलिप के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग क्या है, TULIP, तो ये है क्या है, ये है ट्यूलिप। तो हमने यहाँ तक ये बच्चों पढ़ा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है आ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, स्वीट मीन्स क्या होता है, स्वीट मीन्स। तो बच्चों जैसे कि आपका ये है थर्ड क्वेश्चन तक मैंने यहाँ बताया आपको, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है आ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, है ना, जो फ्लावर होता है उसमें कैसी स्मेलिंग रहती है, स्वीट रहती है, जो कि ये कौन सा है, कौन सा रोज है, ट्यूब रोज, क्या कहलाता है, ट्यूब रोज, और इसकी स्पेलिंग क्या है, TUBER OSE, तो ये है ट्यूब रोज, तो हम इसको ट्यूब रोज करके जानते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसमें है एक मिनट, जैसे ट्यूब रोज दिया है और वाटर लिली दिया है, और इसमें दो तीन जैसे जो दिए, तो हमें वो ना लगा के डायरेक्टली आंसर पे हमने टिक किया हुआ है, तो ऐसे ही हमें डायरेक्टली आंसर लिखना है। अब फिफ्थ नंबर का आपका है गुलाब जल इज मेड फ्रॉम, तो गुलाब जल किस चीज़ से बनाया जाता है, तो उसके बारे में पूछा है कि गुलाब जल इज मेड फ्रॉम रोज, तो ये जो रोज़ होता है तो वो गुलाब जल का यूज किया जाता है। वैसे तो रोज़ का बहुत चीज़ों में यूज किया जाता है, है ना, तो रोज़ की जो पत्तियाँ होती हैं तो काफ़ी चीज़ में यूज करके इनको बनाया जाता है। जैसे ये गुलाब जल तो है ही, और भी चीज़ जैसे अगरबत्ती वगैरह और चीज़ों में बहुत सारे में यूज करते हैं गुलाब का। और सिक्स नंबर पे है फ्लावर दैट फेसेस द सन, तो जो फ्लावर का जो फेस होता है, जैसे वो सनफ्लावर है, क्या होता है, जब सन जिस साइड से निकलता है तो सनफ्लावर का फेस उसी साइड हो जाता है। जैसे सन शाम के इवनिंग के टाइम पर एकदम जैसे अपने डूबने लगता है तो सनफ्लावर एकदम नीचे एकदम ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो इसका जैसे मॉर्निंग के टाइम पर सन उगता है, सूरज दिखाई देता है, तो सनफ्लावर उसी साइड में एकदम जहाँ जहाँ सन का फेस रहता है वहीं वहाँ फ्लावर का रहता है, तो इसे हम बोलते हैं सन फ्लावर, ठीक है। अब हमारे रह गए हैं दो क्वेश्चन और, तो इनको पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेवन वाला क्वेश्चन। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है फ्लावर कॉमनली यूज्ड इज फिस्टन्स बकेट्स एंड गार्लैंड, तो इसमें कौन से फ्लावर का यूज किया जाता है ज़्यादातर बकेट के लिए, तो ये बताया हुआ है इसमें कौन से यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है मैरीगोल्ड का, जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैरीगोल्ड की स्पेलिंग क्या है, MARIGOLD, तो ये क्या हो गया, मैरीगोल्ड।
फ्लावर दैट प्रोड्यूस सब्सटेंस हार्मफुल टू अदर प्लांट्स। तो जैसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा फ्लावर्स है जो और फ्लावर्स को क्या करता है, हार्मफुल करता है, जो अदर प्लांट्स क्या हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। तो ऐसे कौन सा है हमें फ्लावर, तो हमें नेम बताना है उस प्लांट्स का। तो इसमें ये बताया हुआ है मून फ्लावर है, फ्लावर दैट प्रोड्यूस सब्सटेंस हार्मफुल टू अदर प्लांट्स। तो जैसे कि ये बच्चों हमने ये क्वेश्चन जो 8 वाला रीड किया है, तो एक बार और मैं रीड कर देती हूँ जिससे आपका ये क्लियर हो जाए। कि जैसे इसमें लिखा है फ्लावर दैट प्रोड्यूस सब्सटेंस हार्मफुल टू अदर प्लांट, तो ये जो अदर जो प्लांट्स होते हैं जो हार्मफुल हो जाते हैं वो कौन सा है, मून फ्लावर, उसके द्वारा ये अदर प्लांट्स क्या होते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। तो बच्चों हमने ये यहाँ तक चैप्टर रीड किया है ना, 8 जो 1 क्वेश्चन दिए हैं हमने उनके आंसर के बारे में समझा, ठीक है। अभी तो बच्चों आज हमने 1 चैप्टर जो है हमने इसको रीड किया और उसके एक एक आंसर के बारे में समझा। तो हमें ऐसे ही ये याद करना है और कॉपी में नोट करना है, क्योंकि देखो हम इसमें सिर्फ टिक तो कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं ना। तो हमें बाकायदा कॉपी बनाना, उसमें नोट करना है और फिर जो वर्ड यानी चेक करवाना है इसको, और जो है ये पूरा वैसे ही वैसे आपको उतारना है, ठीक है। तो आज आपकी यही क्लास खत्म होती है, टेक केयर, बाय बच्चों, चलिए।